हम लोगों ने हर बार नाम सुनते हैं एपीएल एंड बीपीएल, और जब भी नाम सुनते हैं तो लगता है कि भाई एपीएल और बीपीएल होता क्या है, एपीएल और बीपीएल किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, कौन करता है। तो एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये किस तरीके से बनाया जाता है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या है, नीति आयोग क्या है, इसके चेयरमैन कौन है, और किस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन डिवाइड किया जाता है, एपीएल और बीपीएल को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, कौन एपीएल में रहेगा कौन बीपीएल में रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे कमीशन है जो इसको बताते हैं बनाते हैं, आज सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर राम पांडे और आज आप लोग के लिए लाया हूं सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि हर एक जनरल पर्सन को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी के बारे में जान जाए, बाकी तो अपने काम हो जाएगा। पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है सर, पॉवर्टी एक सिचुएशन है जहां पे हमारे देश के लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं भाई गरीब है, गरीबी पॉवर्टी। तो हमारे देश में गरीबी जो है एक सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, और बिना गरीबी को दूर किए हमारे देश का सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठाती है ताकि हमारे देश के अंदर गरीबी को कम किया जा सके, दूर किया जा सके। तो कौन ऐसे कमीशन है, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे प्लानिंग, जो हमारे गरीबी को यानी पॉवर्टी को दूर करने में हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग का जो होता है क्या है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी के बाद हम लोग बात करेंगे कि हमने भाई पॉपुलेशन से पूरे पॉपुलेशन को दो भाग में कैटेगराइज किया हमने, पहले तो एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन, और दूसरा है बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके फुल फॉर्म होते हैं एपीएल यानी एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर दो सेक्शन है, दो एरिया है जो कि पूरे देश को डिवाइड किया गया है, एक है हमारा रूरल एरिया और दूसरा है हमारा अर्बन एरिया, एक है हमारा रूरल एरिया और दूसरा है हमारा अर्बन एरिया। तो हम लोग को ये पता करना होगा भाई कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में कितने परसेंट लोग रहते हैं। तो सबसे बात करें हम लोग अर्बन एरिया की, तो लगभग अर्बन एरिया में हमारा 13.7% लोग क्या है बीपीएल हैं, कितने हैं 13A हमारे बीपीएल हैं, और कहाँ पे अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में, और यहाँ पे क्या है ए हमारे बीपीएल हैं, ए हमारे अर्बन रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में। तो सोच लीजिए लगभग हमारे अर्बन एरिया में कम पॉवर्टी लाइन के नीचे, क्योंकि वहां पे रोजगार के साधन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के सोर्स होते हैं, और वहां पे तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो थोड़ा सा कम होता है, बट रूरल एरिया में लगभग 1/4 टोटल पॉपुलेशन का है। तो अब इसका क्या उपाय है, किस तरीके से इसको हम लोग दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए बनी है पॉवर्टी लाइन। क्या बनी है पॉवर्टी लाइन, होती क्या है पॉवर्टी लाइन, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भाई पॉवर्टी लाइन होता क्या है। तो पॉवर्टी लाइन देखिए, पॉवर्टी लाइन, क्योंकि हमें जब भी देश में गरीबी को दूर करना हो तो हमें पता करना होगा कि भाई कौन से लोग किधर रहते हैं, यानी एपीएल में कितने लोग हैं, बीपीएल में कितने लोग हैं, किसको गवर्नमेंट को सुविधा देकर के एपीएल में लाना है, तभी तो पता चलेगा किसको हम लोग सुविधा देना है, किसको फैसिलिटी देना है, कौन गरीब है कौन नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है। गरीबी के नाम पे हमारे जितने अमीर हैं वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं, इसी तरह तो हमारे देश से गरीबी अब तक दूरी नहीं हुई। इसको करता कौन है, यानी जो हमारे पॉवर्टी लाइन है सर, ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है एक लाइन होती है, एक लाइन, लाइन का मतलब जिसमें हम लोग क्लासिफाइड करते हैं भाई ए एपीएल में आता है और इतने पॉपुलेशन हमारी बीपीएल में आती है। अब इस लाइन को, ये जो लाइन है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन इसको बनाता कौन है, सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है कि भाई इसको बनाता कौन है पॉवर्टी लाइन को। तो इसको बनाने का काम जो है ना वो किसको दिया गया है, इसको बनाने का काम है पहले हमारा प्लानिंग कमीशन करता था, कौन करता था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था 1950 में 15 मार्च को। इसमें हमारा 5 इयर्स प्लान्स भी आए थे, 5 इयर्स प्लान्स,
प्लानिंग कमीशन 1950 में 15 मार्च को स्टार्ट हुआ था, जिसमें 5 ईयर्स प्लान था, और जो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, होते हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गरीबी बहुत थी, उसने क्या किया, प्लानिंग कमीशन का काम था कि भाई 5 ईयर्स प्लान बनाना और 5 साल में जो भी हमारा बैकवर्ड एरिया था उसको क्या करना, सुधारना, उसके लिए काम करना। अब उन्होंने क्या किया, पहले वो प्लानिंग कमीशन जो था वो क्या कर रहा था, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता था कि भाई कितने लोग गरीबी लाइन के ऊपर हैं और कितने लोग गरीबी लाइन के रेखा के नीचे हैं और उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ठीक है, वो करते थे, लेकिन क्या उनसे बेसिस होती थी, पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग एक और पढ़ लें, उसके पहले एक और पढ़ लें कि भाई देखो 1 जनवरी, उससे पहले हम लोग एक पढ़ लें कि भाई 1 जनवरी 2015 में ये जो प्लानिंग कमीशन था वो चेंज होके हो गया नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। क्या चेंज हो गया, नीति आयोग। अब नीति आयोग में चेंज हो गया, कौन सा चेंज हो गया भाई, प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया नीति आयोग में। जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या हो गया, नीति आयोग में चेंज हो गया। नीति आयोग, नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब हुआ, ये 2000 जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन का नाम ही चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया। अब नीति आयोग का काम है क्या, नीति आयोग काम है कि भाई वो क्या करे कि पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करे कि कौन से पुअर नीचे हैं और कौन से लोग ऊपर हैं, और उसके लिए क्या करे एक कमीशन बनाए और कमीशन क्या करे आपको बताए कि भाई इतने लोग नीचे हैं और इतने लोग ऊपर हैं। ठीक है, इसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि भाई कौन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो एक क्राइटेरिया तय किया गया है, और क्राइटेरिया तय किया गया है भाई, दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया हमारा है कैलोरी बेसिस, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया है, कैलोरी बेसिस क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया हमारा वो है हमारा इनकम बेसिस, यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई कौन से कितने ऊपर हैं। ठीक है, तो कैलोरी बेसिस पे हम लोग जब करें, देखो जब भी हम लोग कैलोरी बेसिस पे, यानी दो बेसिस होती है, एक तो होती है भाई हमारा कैलोरी बेसिस, कैलोरी बेसिस में हम लोग डिसाइड करते हैं। कैलोरी बेसिस में दो होते हैं, पहला भैया अर्बन एरिया के लिए अलग होता है और दूसरा हमारा रूरल एरिया के लिए अलग होता है, रूरल एरिया के लिए अलग होता है। अर्बन एरिया के लिए क्या होता है कि भाई अर्बन एरिया में अगर लोग, यानी अर्बन एरिया नहीं कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में लोग अगर मान लीजिए कि वो लगभग 55 कैलोरी ले रहे हैं, यानी 2100 मान लीजिए 2100 कैलोरी ले रहे हैं, और अर्बन के लोग अगर मान ली, सॉरी यहाँ पे अर्बन, सॉरी यहाँ पे अर्बन 2100 कैलोरी, अर्बन में ज्यादा होता है 2155, और लगभग यहाँ पे 1900 कैलोरी ऐसे तय किया गया, 1990 कैलोरी इस तरह के तय किया गया है कि अगर मान लीजिए अर्बन के लोग क्या करते हैं कि कितने कैलोरी लेते हैं, 1990 कैलोरी अर्बन में क्या है कि 1990 कैलोरी, यानी अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में अगर 1990 कैलोरी ले रहे हैं तो गरीब नहीं है, उससे ऊपर अगर ले रहे हैं तो, उससे नीचे ले रहे हैं तो गरीब है, और रूरल एरिया में 2155 या लगभग 2100 के करीब है वो ले रहे हैं, तो हमारा क्या है, वो लोग हमारे गरीबी रेखा के ऊपर हैं। और अगर इनकम की बात करें, यानी इनकम बेसिस की बात करें कि इनकम के बेसिस पे कैसे होता है भाई, इनकम के बेसिस पे या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, इसमें भी हमारा अर्बन और रूरल रहता है, अर्बन और रूरल आता है, रूरल यानी अर्बन में लगभग 33.3 रुपीस पर डे और अर्बन में लगभग 27.2 रुपीस पर डे उनकी खर्चे हैं, यानी इतना कमा ले रहे हैं या खर्चे हैं। तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करके मंथली देख सकते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करके मंथली देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा, देखिए कैलोरी बेसिस पे जहां पे लगभग 1990 2155 रूरल एरिया में ज्यादा काम करते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे जो अर्बन एरिया है वहां पे लगभग कमाने की बात के 33, यानी यहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं ना, थोड़ी फैसिलिटी अधिक होती है, इसलिए 33.3
33.3 रुपीज पर डे का जो इनकम है और इनका एक्सपेंडिचर है, और जो रूरल एरिया है उनका 27.2 रुपीज, यानी कैलकुलेशन है, मंथली इनकम आप 30 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और एनुअल इनकम भी देख सकते हैं आप। तो अगर इसके बेसिस पे जो लोग इतना कमा ले रहे हैं वो गरीब नहीं है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। भारत में इतना कमाने वाले तो हर लोग हैं, फिर भी भारत में गरीबी नहीं जा रही है, गरीब नहीं है, और भारत के पॉलिटिक्स गरीबी पे होती जा रही है। कांग्रेस 50 से जब से आजाद हुआ 1947 से तो बोले गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो हटी नहीं, सरकारें आती जाती हैं, बदलती जाती हैं, करती जाती हैं, गरीबी नहीं हटता है। अब इसके बेसिस पे क्या किया जाता है कि लाइनअप खींचा जाता है, भाई इतने लोग इतने इनकम और कैलोरी जनरेट कर रहे हैं तो ये हमारा एबव पॉवर्टी लाइन है, इनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करना है, और इसके जो नीचे हैं इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो ये होते हैं हमारा एपीएल और बीपीएल, और इस तरीके से डिसाइड करती है, प्लानिंग कमीशन करता था, अब नीति आयोग करता है, और यहां से क्वेश्चन सराय जरूर होते हैं, तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। हाँ भाई, वीडियो पसंद आती है यार, लाइक सब्सक्राइब कर दिए, पैसा तो लगते नहीं इसके लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।